और शुरुआत भोपाल से करते हैं। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज अपना संबोधन देंगे, वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर करेंगे संवाद। तो वहीं प्रदेश में 25 और 26 अगस्त को महाअभियान चलाया जाएगा। जी हाँ, वैक्सीनेशन का महाअभियान पार्ट टू अब चलाया जाएगा मध्य प्रदेश में, और सीएम शिवराज सिंह चौहान का संबोधन भी है। तो वहीं वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर वे संवाद करेंगे। 25 और 26 अगस्त को प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जाएगा। खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज संबोधन है। तो वहीं वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर सीएम संवाद करेंगे। प्रदेश में 25 और 26 अगस्त को महाअभियान चलाया जाएगा वैक्सीनेशन का। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर दीपेश जैन जुड़ चुके हैं। दीपेश, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कि वैक्सीनेशन का महाअभियान पार्ट टू 25 और 26 अगस्त को चलाया जाना है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए अनन्या, पूरे प्रदेश में एक बार फिर से दो दिन के लिए वैक्सीनेशन महाअभियान शुरू होने वाला है। 25 और 26 अगस्त को करीब 35 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी 21 जून को जो वैक्सीनेशन महाअभियान की मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई थी और पूरे देश में रिकॉर्ड बनाया था वैक्सीनेशन महाअभियान ने, उसी तर्ज पर अब दो दिन में 35 लाख लोगों को टीका लगाने का टारगेट रखा है मध्य प्रदेश की सरकार ने। और राज्य सरकार ने तैयारियों के पूरे निर्देश दे दिए थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ भी संवाद करेंगे और मंत्रियों को प्रभार के जिलों में तैयारियों पर रखने के निर्देश दिए गए हैं। यानी तैयारियों पर नजर उनको रखना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मंगलवार सुबह 11:30 बजे यानी आज सुबह 11:30 बजे जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से इसको लेकर वर्चुअली चर्चा करेंगे। यानी पिछला अभियान कैसा रहा था और इस बार अभियान में हमें क्या खास करना है, कैसे करना है, कैसे लोगों को टीकाकरण केंद्रों तक लाना है, वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं करनी है, लोगों को परेशान ना होना पड़े और किस तरह के इंतजाम किए जाए, तो इन तमाम मुद्दों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली आज चर्चा करेंगे सुबह 11:30 बजे। और कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश की सरकार को सबसे बड़ी बात ये जानना है कि 11 लाख डोज जो हैं वो अतिरिक्त मिले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब कैबिनेट विस्तार के बाद दिल्ली गए थे तो उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की थी और उनसे ज्यादा टीके मध्य प्रदेश को देने का आग्रह किया था और इस आग्रह को माना भी है केंद्र सरकार ने। इसके बाद 11 लाख डोज अतिरिक्त दिए जा रहे हैं, यानी 24 लाख का कोटा था लेकिन 35 लाख डोज मिलेंगे। और सीएम शिवराज ने कहा है कि आज की तारीख तक ये डोज आ जाए ताकि कल से इजीली जो अभियान शुरू होना है दो दिन के लिए उसमें इजीली सभी को टीके लग जाए। तो अनन्या, कल और परसों जिनका पहला डोज अभी तक नहीं लगा उनको लाने के लिए ज्यादा फोकस इस बार सीएम शिवराज का रहेगा कि उनको केंद्रों तक लाया जाए और उनको पहला डोज लगवाया जाए। इसके अलावा कई बात ऐसी भी सामने आई थी अनन्या कि लोग दूसरा डोज लगवाने के लिए टीकाकरण केंद्रों तक नहीं पहुंचे हैं, तो उनको फिर से प्रेरित करना है और इसलिए पूरे प्रदेश में उन लोगों के पास फोन कॉल जाएंगे। सितंबर में हालांकि ये बड़े पैमाने पर यह अभियान शुरू होगा, लेकिन इसमें कोशिश ये रहेगी कि कल भी जिनके पास जो टीका लगवाने नहीं आ पाए हैं उनको फोन करके याद दिला दिया जाए कि भाई आपको दूसरा टीका भी लगवाने आना है। तो बड़ा अभियान है मध्य प्रदेश का और जिस तरह से पिछली बार में एमपी सरकार ने रिकॉर्ड तोड़े थे, उम्मीद करना चाहिए अनन्या की आज भी कल भी वो रिकॉर्ड टूटेंगे और इसके लिए आज वो फिर से जोश और जोश बढ़ाएंगे तमाम स्वास्थ्य कर्मियों का, प्रशासन के अधिकारियों का और जो जिला सतर्कता समिति या निगरानी समिति है टीकाकरण क्राइसिस। दीपेश जी, पिछली बार हमने देखा था कि जब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाअभियान चलाया था उस वक्त वो खुद जो है लोगों तक घर घर पहुंचे थे, प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ थे, गृह मंत्री उनके साथ थे, क्या इस बार भी ऐसा कुछ बड़ा आयोजन होगा? बिल्कुल हो सकता है। देखिए अभी आधिकारिक इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन 25 और 26 अगस्त कल जब महाटीकाकरण अभियान होगा तो जाहिर सी बात है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान पूरी नजर इस पर बनाए रखेंगे और खुद भी जोश बढ़ाने के लिए उसने कह रहा था, जिक्र कर रहा था और लोगों को प्रेरित करने के लिए बिल्कुल सड़कों पर उतर सकते। पिछली बार उन्होंने दतिया से टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी, तो इस बार जैसे उनका आधिकारिक कार्यक्रम आता है हम बिल्कुल अपने दर्शकों को बताएंगे कि कल वो टीकाकरण के दौरान कहाँ कहाँ मौजूद रहेंगे। पिछली बार वो दतिया गए थे, इसके अलावा भोपाल की जो
बस्ती इलाके हैं वहां पर उन्होंने घर घर जाकर लोगों से टीकाकरण की अपील की थी, और इसके बाद फिर वो अपने चुनावी क्षेत्र भी गए थे, तो उनका और फिर रात को आकर उन्होंने स्वास्थ्य कर्मी और अधिकारियों से बातचीत भी की थी और रिकॉर्ड तोड़ सफलता पर उन्होंने खुशी भी जाहिर की थी और पूरी टीम को बधाई दी थी। तो बिल्कुल इसी तरह का हो सकता है अनन्या की कल भी सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है वो लोगों को प्रेरित करने के लिए निकले, और इस दौरान बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता जब नीति आयोग ये कह रहा हो कि सितंबर में तीसरी लहर आ सकती है कोरोना की और 4 लाख केस हर दिन निकलने की आशंका जताई है नीति आयोग ने कल भी, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार की चिंता भी बढ़ेगी, लेकिन कोशिश है कि कम से कम अब सब लोगों को पहला डोज कल तक लगवा दिया जाए, तो कल के और परसों के अभियान में यही कोशिश होगी कि सभी को कम से कम पहला डोज लग जाए, जिनके दूसरे डोज की तारीख आ गई है उनको भी दूसरा डोज लगवा दिया जाए। धन्यवाद दीपेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी फिर से बता दें आपको कि 25 और 26 अगस्त को महाअभियान चलाया जाएगा वैक्सीनेशन के लिए, और ऐसे में पिछली बार जो है रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन हुआ था और इस बार भी 11 लाख एक्स्ट्रा डोज जो है प्रदेश को मिले हैं।